अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं मौसम बारिश का है, इसके लिए ये रेसिपी लेके आई हूँ मैं आज। इसके लिए चाहिए एक बाउल टी बाउल बेसन, नमक पाउडर अनुसार, लाल मिर्च पाउडर एक स्पून, हल्दी पाउडर क्वार्टर टी स्पून, सोडा चुटकी भर, तेल फ्राई करने के लिए एक स्पून चावल का आटा, यानी तो आप मैदा भी ले सकते हैं, एक बड़ा एक आलू बॉईल किया हुआ, जिंजर गार्लिक पेस्ट क्वार्टर टी स्पून, हरी मिर्च 3 से 4, एक पीस धनिया पत्ता, एक प्याज बारीक कटी हुई, करी लीव्स, मस्टर्ड सीड्स थोड़े से, क्वार्टर टी स्पून हल्दी पाउडर। अभी हम पहले आटा मिक्स कर लेंगे, इसमें हम सारी इंग्रेडिएंट्स ऐड करके, मसाले ऐड करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसका बैटर थोड़ा थिक रहना चाहिए ताकि वो आलू में लग सके। इसमें हम जिंजर गार्लिक पीस भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी हम पानी ऐड करेंगे। बैटर थोड़ा थिक रहना चाहिए ताकि वो आलू के ऊपर अच्छे से लग सके। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप मैदा भी ऐड कर सकते हैं, तो इससे थोड़ा बैटर थिक बनेगा जब आप मैदा ऐड करेंगे। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद देखिए कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए, अगर लम्स रहेंगे तो आटा ऐसे सूखा सूखा आटा रह जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए ताकि सारे लम्स निकल जाएं। देखिए अभी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अभी हम एक पैन लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए अभी हम इसमें मस्टर्ड सीड ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें करी लीव्स ऐड कर लेंगे। अभी हम मैंने हरी मिर्च और ऑनियन ऐड करके साथ ही साथ धनिया पत्ता भी ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि ऑनियन सॉफ्ट ना हो जाए, तब तक हम इसको धीमी आंच पे ही फ्राई करेंगे। अगर आपको जल्दी फ्राई करना है तो थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए ताकि वो जल्दी से फ्राई हो जाएगा, जल्दी से ऑनियन सॉफ्ट हो जाएगी। ये ऑलमोस्ट हो चुका है, अभी हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे। अभी मैंने आलू जो रखा था उसको मैंने स्मैश कर लिया था, वो भी हम ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि जो नमक है आलू में अच्छे से मिल जाए।
ये हमारा आलू बनके तैयार हो चुका है। अब हम थोड़ा थोड़ा लेके इसके राउंड राउंड बॉल्स बना लेंगे। थोड़ा पानी का हाथ लेके बना सकते हैं, या नहीं तो थोड़ा ऑयल लगा लीजिए ताकि वो हाथ पे नहीं लगेगा। इस तरह से बॉल्स बना लीजिए। देखिए तैयार हो चुके हैं। अभी मैंने एक कढ़ाई में तेल फ्राई करने के लिए रखा है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा मैं बैटर में आलू डाल के इस तरह से अच्छे से कोट कीजिए और इसको हम एक एक करके तेल में फ्राई कर लेंगे। धीमी आंच में फ्राई कीजिए ताकि वो गले ना। अगर आपको बहुत क्रिस्पी चाहिए तो पहले एक बार फ्राई कर लीजिए, उसके बाद निकाल के थोड़ी आंच गरम करके तेल और गरम कर लीजिए, उसके बाद आप फिर से दोबारा उसको फ्राई कीजिए, तब वो क्रिस्पी होंगे। थोड़ी देर बाद इसको टर्न कर लीजिए ताकि दूसरी साइड भी अच्छे से पक जाए। देखिए ऑनियन पक चुके हैं, अभी हम इसको निकाल लेंगे। इसके साथ आप कोकोनट की चटनी या नहीं तो टमाटो केचप या नहीं तो हरी चटनी ले सकते हैं। बारिशों के दिनों में ये बेस्ट रेसिपी है इवनिंग स्नैक्स के लिए। देखिए बन के तैयार हो चुका है। आपके लिए गर्मा गर्म आलू के बूंदे की रेसिपी तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।